ये वीडियो यूपी के लखीमपुर खीरी में सहकारी समिति के संचालन पद के नामांकन के दौरान का है, जहां भयंकर बवाल हो गया। नामांकन के दौरान भाजपा विधायक मंजू त्यागी की खुलेआम गुंडई देखने को मिली। भाजपा विधायक पुलिस अफसरों के सामने ही पर्चा छीन लेती हैं और उसे लेकर भाग जाती हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसा कि आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि भाजपा विधायक मंजू त्यागी पर्चा छीनती हुई नजर आ रही हैं। यही नहीं, वो नामांकन कक्ष से कागज और रजिस्टर भी उठाकर ले जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो में वो एक अधिकारी के साथ कागज छीनती दिख रही हैं। वहीं इस घटना के बाद सपा ने जमकर विरोध किया तो पुलिस ने समझाने की कोशिश की और नोकझोंक शुरू हो गई। पुलिस और सपाइयों के बीच जोर आजमाइश और धक्का मुक्की का दौर शुरू हो गया। पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर दिया और सपा कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि गुरुवार को चार समितियों पर संचालक पद के नामांकन होना था, इसके लिए पर्चे भरे जा रहे थे। 9 सदस्यों के चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन की आखिरी तारीख थी। उस दौरान भारी बवाल हो गया। वहीं इस मामले के वीडियो सामने आने के बाद सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने सत्ता के इशारे पर चुनाव में धांधली करवाने और आरोप पर एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले का वीडियो ट्वीट करते हुए सपा के प्रवक्ता आईपी सिंह ने लिखा है कि लखीमपुर खीरी बीजेपी का किसी भी चुनाव प्रक्रिया में विश्वास नहीं, सिर्फ दबंगई। आज लखीमपुर में गन्ना समिति का चुनाव होना था, तमाम दावेदारों ने चुनाव के लिए पर्चा भरा था। चुनाव अफसर कागज पत्र चेक कर रहे थे, तभी बीजेपी एमएलए मंजू त्यागी इतनी तेजी से पहुंचती हैं और सारे पर्चे लेकर निकल जाती हैं, और चुनाव अफसर को ऐसे में कुछ समझ भी नहीं आता है। तो वही अब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा विधायक की गुंडई सरेआम देखने को मिल रही है। वही पुलिस ने भाजपा विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सपा के कार्यकर्ताओं पर ही लाठी बरसा दी, जिसको लेकर भाजपा घिरती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आपका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।